एंड बेनिफिट्स ऑफ एक्सेसिंग द अकाशिक रिकॉर्ड। बेनिफिट्स तो देखो मैं लिख नहीं सकती हूँ क्योंकि इतने बेनिफिट्स हैं, फिर भी थोड़ा बहुत लिखा है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि हमने क्या ऐसे स्टोरीज लिखे हैं हमारे सोल बुक में वो देख सकते हैं, है ना। एंड सारा हमारा लाइफ प्लान देख सकते हैं, हमारा कार्मिक डेट्स देख सकते हैं, जो कर्मा को इतना बड़ा 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 बोलते रहते हैं, वो कर्मा क्या चीज है वो देख सकते हैं। देख सकते हैं मीन्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड टू लिव द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स, ये तो मैंने लिख दी बट इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आकाशिक वर्ल्ड में जाके देख लिया और आपको बोल दिया कि मुझे जो है ना दुबई में जॉब चाहिए और आप हाँ हाँ मिल जाएगा, उधर आंसर आ गया और फिर आप बैठे हो हाँ हाँ कोई आएगा मेरे को हेल्प करेगा, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू वर्क फॉर दैट। टू नो विच रिलेशनशिप्स और सिचुएशंस आर फॉर योर हाईएस्ट गुड। नाउ हाईएस्ट गुड जो है हम हर चीज में यूज करेंगे यहाँ पे। हाईएस्ट गुड मीन्स ऑब्वियसली इट्स अ वेरी सिंपल इंग्लिश, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो वो है हाईएस्ट गुड। कभी कभार ऐसे होता है कि हम ऊपर चले गए और हमने बोला दिस मे दिस हैपन फॉर माई हाईएस्ट गुड, बोल के हम आ गए और हम भूल गए कि हमने हाईएस्ट गुड बोला है उधर। तो जब आपने ये यूनिवर्स को मैसेज दिया है हाईएस्ट गुड, तो वो अपना तो टाइम लगाएगा आपके लिए अच्छा कौन सा उसको ढूंढने में, उसको आपके साथ अलाइन करने में तो उतना टाइम लगता है। उसके लिए इंपेशेंस होना नहीं है कि मैंने तो बोल दिया हाईएस्ट गुड मेरे लिए कर लो और अभी तक हुआ नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें थोड़ा यूनिवर्स को भी टाइम देना होता है, हमारे लिए वो भी चीजें ढूंढ के करेंगे। टू गेट क्लैरिटी ऑन सर्टन बिहेवियर पैटर्न्स एंड कंडीशनिंग ऑफ द माइंड, टू नो व्हाट अबाउट योर पास्ट लाइफ इज इन्फ्लुएंसिंग दिस लाइफ। बहुत ऐसा होता है ना, व्हाट इज कंडीशनिंग बेसिकली, जैसे मैं ऐसे कंडीशन में हुई हूं कि you know we all are in a very different level of conditioning। क्यों? क्योंकि हमारे घर पे अलग प्रथा होती है, अलग संस्कार होते हैं और इससे पहले हमारे जो conditioning है इस lifetime से पहले के lifetime में जो conditioning है, जैसे बच्चे कभी कभार heart में hole के साथ पैदा होते हैं, है ना, कभी कभार I don't know in a very different state they were born। तो ऐसा थोड़ी है कि वो अभी क्रिएट हुआ है, नहीं, वो तो पहले पास्ट लाइफ से उसने उसको क्रिएट किए। तो वो चीज हम इस लाइफ टाइम में कैसे हमारे साथ वो कनेक्ट होता है वो देख सकते हैं और उसका सल्यूशन ढूंढ सकते हैं। हम लोग जाएंगे कैसे, से द इसको जो बोलते हैं ना प्रेयर होता है, दो प्रेयर होता है ये, ओपनिंग पाथवे प्रेयर क्लोजिंग पाथवे प्रेयर, ये दो मस्ट है। जाने से पहले ओपनिंग पाथवे प्रेयर बोलेंगे, आने से पहले क्लोजिंग या आने के बाद क्लोजिंग पाथवे प्रेयर बोलेंगे, तब ये बंद होता है आकाशिक, तब उनका गेट बंद होता है, उनका गेट खुलता है, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल कनेक्ट, ये मैं पूरा प्रोसेस आपको कराऊंगी, बस बोल रही हूं मैं। फर्स्ट वी विल कनेक्ट विथ लाइट। आज बेसिकली ज्यादातर जो है थियोरी होगा, आज हम लोग आकाशिक रिकॉर्ड अभी एक्सपीरियंस नहीं करेंगे क्योंकि मैं अगले, पहले आप लोग समझ लीजिए, आप लोगों का कोई सवाल है तो मैं बाद में सारे सवाल ले लूंगी ताकि वी ऑल गो इन अ फ्रेश माइंड, राइट। फर्स्ट कनेक्ट विद द लाइट, हीलिंग एनर्जी होता है वहां पे, इट्स अ हीलिंग एनर्जी ओनली, मतलब द एनवायरमेंट इटसेल्फ इज सूदिंग। कोई प्रॉब्लम है आपको तो आर्के एंजल माइकल या मिकेल भी बोलते हैं बहुत लोग, उनको हम बुलाएंगे, आई विल टीच यू हाउ टू कॉल हिम टू रिमूव एनी फियर और डाउट, क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, कुछ भी होता है वी कैन कॉल हिम टू रिमूव ऑल द
fear and doubt within us. I often like to imagine myself surrounded in white light that slowly trickles in from the base of my feet and up to the crown of my head. ये मैं shielding सिखा रही हूँ आपको. जब आप ऊपर जाएंगे तो we will shield ourselves. It's like हम गाड़ी पे जा रहे हैं ना, हमारा गाड़ी तो चारों तरफ से बंद ही है ना, हम तो अंदर बैठे हैं ना ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए. इट्स लाइक दैट. कोई आता जाता बीइंग आपको ना ठक करके मार दे. ठीक है. सराउंडेड इन वाइट लाइट that slowly trickles in from the base of my feet to the crown. It looks almost like a white egg that surrounds and protects me. You may want to do a 5-minute upward. मैं जैसा करा रही हूँ वैसे ही प्रैक्टिस करना है करके मैं रूल नहीं बना रही. Right? We all have our own connect with our book. Meditation 5 minute का करेंगे तो हमारा जो brain है वो आराम से soothe होके we can go. So that we will do. Or some breath work to release any fear or worry. Basically fear जो है ना बहुत बड़ी चीज है. हर जगह फियर आ जाता है और फिर हमारा सारा जो जो हम करने वाले थे उसको खराब कर देता है और हमारा जर्नी. सो फियर एंड डाउट कि मैं ये नहीं कर सकता या क्या होगा या कैसे होगा या ये खुल गया तो ये क्या खुला, मैंने देख लिया तो क्या देखा, ऑल दीज थिंग्स. वरी बिफोर एंट्रिंग, ये सब चीज, ये जो मोटा मोटा बैगेज है इसको नीचे छोड़ के जाएंगे यही धरती पे. आकाशिक रिकॉर्ड्स कैन बी एक्सेस्ड इन अ मल्टीट्यूड ऑफ वेज. देयर आर अगर मेरे इस कोर्स के बाद आप सब एक्सप्लोर करना कितने तरीके के एक्सेस कर सकते हैं हम, कितने तरीके के प्रेयर बोल सकते हैं. राइट. फॉरेन वाले लोग अपने हिसाब से प्रेयर बनाते हैं, हम लोग अपने हिसाब से प्रेयर बनाते हैं. कोई बोलता है कि आप जो है सोचना कि आप लिफ्ट के अंदर जा रहे हो और 4 नंबर दबाना तो वो जो है 4 नंबर का आपको आकाशिक फील्ड खुल जाएगा. सो देर आर मल्टीपल अलग अलग तरीके के ओपनिंग प्रेयर्स हैं. सबके लैंग्वेज अलग है बट इंटेंशन क्या है, हमें आकाशिक फील्ड में जाना है. राइट. जो भी आपको रेजोनेट होता हो यू कैन पिक दैट. बट ड्यूरिंग आवर क्लास हम जिस हिसाब से सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे ही करें तो ज्यादा बेहतर है, एक यूनिटी बना रहे. बट यू पीपल आर फ्री टू व्हाटएवर कनेक्ट करना है. इट्स लाइक अ गूगल मैप, जैसे मैंने पहले ही बोला था. कनेक्ट विथ योर एनर्जी. ओके. कनेक्ट करने से पहले हमें कनेक्ट ग्राउंडिंग भी करनी है ताकि हम वो एनर्जी रिसीव करें. राइट. थिंक ऑफ सर्चिंग द आकाशिक रिकॉर्ड. ऊपर जाके हमने ओपनिंग प्रेयर को हमने शील्ड कर ली व्हाइट लाइट से. उसके बाद मैं जो चीजें हैं वो वेज बोलूंगी आपको क्या क्या देखना है ताकि हम ऊपर जाएं. ऊपर जाने के बाद हम ओपनिंग प्रेयर बोल रहे हैं. ओपनिंग प्रेयर हो गया. फिर उसके बाद जब हमें आकाशिक रिकॉर्ड सर्च करना है तो आपने पहले इंटेंशन लगा देना है कि आपको क्या सवाल होगा उसका आपको बुक चाहिए. ये बहुत क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में ताकि आपको वो बुक आपके हाथ में आए और उसको हम पन्ना पलटें और हम देखें. इसीलिए क्योंकि वहां पे तो बहुत सारे बुक होते हैं, वही बुक आपके पास आएगा जो आपके माइंड में इंटेंशन डाल के आप गए थे. राइट. इट माइट बी डिसीज, इट माइट बी फाइनेंस, इट माइट बी रिलेशनशिप, इट माइट बी एनीथिंग, इट माइट बी एनीथिंग, कुछ भी. लाइक आज मेरा क्लास कैसे होगा, मैंने सुबह ही देख चुकी होंगी कि भाई कैसा रहेगा मेरा क्लास. इट्स एज सिंपल एज दैट.
अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो पहले उसको रिमूव कर दो, पहले हीलिंग कर दो, राइट? गेट क्लैरिटी एंड आंसर्स. यू कैन आस्क एनीथिंग. आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में जो जो होगा, अगर आपको वो परमिशन मिलेगा तो आपको उसका आंसर भी रिफ्लेक्ट होगा. आप जितना डीकोड कर सकते हो उतना करोगे तो आपको आंसर मिलेगा. डीकोड क्या है? जैसे आपने एक क्वेश्चन पुटअप किया, मैं इट्स लाइक फॉर एग्जांपल किसी की बेटी है जो 12th क्लास में है और उसको पता नहीं है कि उसने करना क्या है, राइट? तो लाइक ह्यूमैनिटीज लिया है, उसको इकोनॉमिक में जाना है या उसको पॉल साइंस में जाना है या उसको सोशियो में जाना है या उसको किसी और में आर्ट एंड क्राफ्ट में जाना है या किस में जाना है या इंग्लिश में जाना है, उसको नहीं पता है. तो ये कंफ्यूजन है एक बच्चे का, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, पहले ही हम पूछ लेंगे. अच्छा ये है तो हम ऊपर जाके इसको पूछेंगे. तो जब हम ऊपर गए, हमने ये क्वेश्चन पुटअप किया कि इस बच्ची के लिए व्हाट विल बी हाईएस्ट गुड ऑफ, फॉर एग्जांपल मैं बच्ची का नाम रख रही हूँ लेखा या रेखा. रेखा के लिए क्या अच्छा होगा, मुझे कौन सा सब्जेक्ट अच्छा विल बी हाईएस्ट गुड फॉर रेखा, विच सब्जेक्ट विल बी हाईएस्ट गुड फॉर रेखा विद इन, अगर उसका कोई प्रिफरेंस है कि आंटी मेरे लिए ना इकोनॉमिक्स सोशियो और हिस्ट्री में से देख के बताना, तो हम ये तीन में से बोलेंगे, ये तीन में से इसके लिए कौन सा अच्छा होगा. तो आपको इंट्यूशन अगर एक का आता है तो फिर आप डीकोड कर सकते हो. जैसे पॉलसन्स आया, तो पॉलसाइंस आया तो आप फिर उसको पूछ सकते हो ओके इसके बाद इसका क्या और फ्यूचर है. पॉलसाइंस ठीक है उसने कर लिया, उसके बाद उसको क्या फ्यूचर है. और फिर अगर कुछ रिफ्लेक्ट हुआ तो फिर आप पूछ सकते हैं उसके बाद और क्या कर सकते हैं. तो जब तक आपका सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि हाँ मुझे जो चाहिए वो आंसर मिल गया, तब तक आप सवाल पूछ पूछ के डीकोडिंग बोलते हैं उसको. आप उसको जब तक वो आंसर रिफ्लेक्ट हो रहा है आप सवाल पूछ पूछ के यू कैन कम टू दैट मिनिमाइज वाला आंसर, ताकि आप उस बच्चे को बोलो अच्छा तुमने बनना ये है तो तुम्हें ये चीज करना है. पूरा एक मैप बना के दे सकते हैं उस बच्चे को, राइट? क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस, ऑलवेज वी हैव टू आस्क क्वेश्चंस. तो तैयार हो जाइए क्वेश्चंस पूछने के लिए, मुझसे नहीं, ऊपर जाके अपने आकाशिक रिकॉर्ड में. जितने क्वेश्चंस पूछोगे आंसर आएगा, उसको डीकोड करते रहना, राइट? एंड इट्स अ वेरी कूल प्रोसेस, बहुत बढ़िया प्रोसेस है ये. क्योंकि हम सवाल किससे पूछूं, मैं अच्छा मैं टैरो निकालने के लिए इसके पास जाऊं, अच्छा मैं इस एस्ट्रोलॉजर के, सब मैं ही हूँ फिर भी मैं बोल रही हूँ, एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊं या मैं ये करने जाऊं, कोई जरूरत नहीं. You ask your own question, you will get the answer. Answer नहीं आया तो keep on asking it. एक बार try करो, नहीं आया तो छोड़ दो. थोड़ी देर बाद try करना, फिर थोड़ी देर बाद try करना, फिर अपने जिसका भी गुरु है, जो भी है, connect करके फिर connect करो. You will get the answer. You may feel called to a certain time period and ask the records information, but you only receive the information. Okay, one more thing. Yes. Sangeeta ji, I'm sorry to interrupt. I have to ask Prithyush ji to please mute yourself. आप बार बार unmute कर रहे हैं, पूरी class disturb हो रही है. Yes, yes, exactly. Are please. We all unmuted? Please, आप mute कर लीजिए Prithyush ji. It's high time now. I have like muted you around about 10 times almost. Kindly mute yourself. Thank you. Thank you. Yes, Sangeeta ji, you may continue. एक मिनट मेरा ब्रेक हो गया, जस्ट अ सेकंड, बिकॉज मैं उनका नाम ढूंढ रही थी, मुझे मिला नहीं, वरना मैं ही म्यूट कर देती. नहीं, आई एम म्यूटिंग हिम सिंस 10 टाइम्स आई हैव म्यूटेड हिम. इतना शोर हो रहा है फिर भी नहीं समझ रहे हो. सर 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 प्लीज. ओके फाइन, वी आर सॉरी फॉर दिस, काइंडली म्यूट योरसेल्फ एवरीवन.
So you may feel called to a certain time period and ask the records information on possible life. Okay, कभी कभार the record मेरे पास कोई बहू आई, right? मेरे पास आई थी actually. उन्होंने बोला कि मुझे joint family में नहीं रहना. Universal problem सास ससुर वाला. So ठीक है, तो ये जाएंगे या नहीं जाएंगे ना, ये उसका सवाल है. बट एक बात बताइए, जब हम बोलते हैं मैं गई ऊपर आकाशिक रिकॉर्ड में, पूछा, मुझे तब आंसर नहीं मिला, फेवरेबल आंसर नहीं मिला, जैसा उसको चाहिए वो आंसर नहीं मिला, फाइन, बिकॉज देयर वाज अ फैमिली कर्मा जो उसको भुगतना है, वो आंसर मिला मुझे. बट उसको ये बोल के यू नो इट्स एक्चुअली हताश ही हो गई थी, वो एक अलग बात है. बट एट द सेम टाइम ऐसा कुछ कुछ सवाल है जिसका आंसर हमें उस टाइम में नहीं मिलेगा बिकॉज वी आर नॉट रेडी. हमारा माइंड कहाँ जाता है, हम तो सेल्फिश हैं, हमारा माइंड उस लेवल तक जाएगा नहीं जब तक हमारे सोल का एवोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड में तो सोल के एवोल्यूशन के हिसाब से आपको आंसर मिलेगा. सो हताश मत होना, कोई सवाल आपने पूछा और आपको आंसर नहीं मिला, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, वही समझना. अभी मेरे को, अभी मैं अपने आप को और प्रिपेयर करूंगा ताकि जो आंसर आएगा उसको मैं ले सकूं, राइट? ऐसा भी होता है, इट विल ओनली रिवील जो आप ले सकते हो टू सपोर्ट यू ऑन योर जर्नी इन द नाउ. Now means अभी present state कैसा है संगीता का, वो ये सच्चाई ले पाएगी क्या, उस हिसाब से answer आएगा. ठीक है, for example मेरी बेटी है, उसको अगर मैं बोलूं कि abroad जाना है उसको पढ़ाई के लिए, but at the same time मेरे mind में क्या है, as a mother I am not ready to send her, in back of my mind, subconscious mind में I am not ready to send her. अगर वो आंसर यस आता है तो मैं तो उसी दिन हताश होकर बैठ जाऊंगी ना, जो 4 साल बाद इवेंट होने वाला है, समझ रहे हो आप? तो उस टाइम में शायद वो आंसर ना आए क्योंकि वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट आंसर. हमारी जर्नी अभी और लंबी है, इसका मतलब इफ यू गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट योर फ्यूचर इन दिस लाइफ एंड देन आस्क मोर क्वेश्चंस अबाउट द स्पेसिफिक, but don't receive anything additional, that's okay. कभी कभार हमें बोनस पॉइंट भी मिलता है. हमने एक सवाल किया, मैंने बोला मेरे को जो है यहाँ पे जॉब मिलेगा, सपोजिंग मेरे को पता लगा कि मेरे को यस भी आया, प्लस मेरे पैकेज कितना, उसका नंबर भी रिफ्लेक्ट हुआ मेरे को, ठीक है, तो दैट्स अ बोनस थिंग विच आई गॉट. कभी कभार ऐसे भी आता है, बट कभी कभार उसका आंसर आएगा भी नहीं. So we need to be aware and we need to be in the acceptance mode. क्योंकि हमारा vibration अभी match नहीं हुआ वहां तक, तो we need to be in the acceptance mode कि हाँ भगवान जो दिखा रहा है वो ठीक है. Trust that what you are receiving is what you are meant to have. Sometimes we are not supposed to have all the answers right now. क्योंकि अगर मेरे को ये 20 साल पहले पता होता है कि मैं इतने लोगों को पढ़ाऊंगी या ये सब हम काम करेंगे, तो यू नो आई विल बी लाइक कि ऐसा मैं कर पाऊंगी, आई विल डाउट माई सेल्फ, बिकॉज हम उस टाइम के लिए रेडी नहीं थे. तो इसीलिए शायद जो भी दिखता है वो हमारी भलाई के लिए दिखता है, जो भी नहीं दिखा वो भी हमारी भलाई के लिए. एक्सेप्टेंस वाले मोड में जाना है ऊपर. आफ्टर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन यू नीड टू क्लोज द रिकॉर्ड्स, रिसाइट द क्लोजिंग प्रेयर, नो वरीज इफ यू फॉरगेट. कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको याद करके बोलना. हाँ, थोड़े दिन आपको लगेगा याद होने में, आप देख के बोल लेना उसको.
अगर आपको ये कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आप अपना प्रेयर खुद बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देयर हैव बीन अ फ्यू टाइम्स लाइक यू नो, कभी कभार ऐसे होता है किसी किसी का ना रिकॉर्ड इतना हेवी होता है कि हम लोग जैसे मैंने लिखा है कि फॉलिंग अस्लीप एट नाइट एंड एंडेड अप हैविंग सम प्रीटी इंटेंस ड्रीम. कभी कभार हमें जो है ड्रीम में आके वो लगता है कि हमने पता नहीं आज किसका बुक खोल लिया, तो उस टाइम में वी कैन कॉल अप आर्कएंजल माइकल टू हेल्प अस. आर्कएंजल माइकल जो है वो हर चीज के लिए हमें काम आएंगे, टू रिमूव ऑल काइंड ऑफ नेगेटिविटी फ्रॉम एवरीथिंग. जो आपको अच्छा लगे वो करना. अगर आपने हनुमान चालीसा पढ़ना आप पढ़ो, या आपने हनुमान जी की गदा चलानी है वो चलाओ, इट्स अप टू यू. नोबडी, यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. आई एम जस्ट गिविंग यू दोज इंफॉर्मेशन जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, जो आसान है. ऑफन फर्स्ट टाइम द एंटायर एक्सपीरियंस विल बी वेरी लॉन्ग. It's very often, not for everybody. It might be as if thoda dream jaisa, thoda neend wala ya achha lag sakta. Matlab everybody's experience will be different. But again, I'm repeating, sit with the pen and paper, write it down. Because ye experience hum bhul jate hain, hame yaad nahi rehta hai. Dates bhi likhna ki aaj maine ye dekha. ताकि आपको जब आप when you go through all the notes you will feel wow मैंने इतना सब देखा है, very nice. So over time periodically go back to them. कभी कभार देख लेना उसको, कभी कभार अच्छा लगता है हमारी soul की journey में क्या क्या story मिला है हमें, because we never know कि भाई इतना सब हमने create किया है, इतनी सारी चीजें हमारी जिंदगी में हुई है हमें पता ही नहीं है, right?